हेलो एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी नीट गाइज कैसे सब बच्चे हाय गाइस आवाज आ रही है सब दिख रहा है हाय 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 एवरीवन हाउ आर यू डूइंग यस 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस हाउ आर यू कैसी चल रही है तैयारी देखिए अभी आई नो बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन है अभी बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है तो आप लोगों को अंदर से डर लग रहा होगा तो उसी डर को टैकल करने का एक ही तरीका है ना देर इज ओनली वन वे दैट इज टू स्टार्ट वर्किंग स्टॉप वर्ग एंड स्टार्ट वर्किंग आज हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है तो शायद कुछ अच्छा लग रहा होगा कि इस फास्ट ट्रैक रिविजन में हम यहां पर अपना पूरा सिलेबस डन कर चुके हैं आज लास्ट चैप्टर होने वाला है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी राइट बिल्कुल लास्ट चैप्टर कर रहे हैं अब कल क्या होगा कल बेटा और धमाके होंगे कैसे धमाके होंगे क्योंकि कल आने वाले हैं धमाकेदार सा सिक्सटी क्वेश्चन फ्रॉम द कम्प्लीट जुआलॉजी दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू अब आपके लिए कोई भी टेस्ट एक, एक पैनिक नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसे डर नहीं होना चाहिए मैम बताया नहीं क्योंकि अब तो सरप्राइज है हर दिन आपके लिए सरप्राइज टेस्ट आ सकते हैं एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट अब आने वाली क्लासेस में मैं क्या कराऊंगी वो मैं आपकी कल की स्थिति के बाद बताऊंगी कि कल आप कैसा परफॉर्म करेंगे यहाँ के मॉक टेस्ट में ठीक है यहाँ जो यूट्यूब पे मॉक टेस्ट होगा जैसा आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसा ही बेटा परसों से आपकी फ्रेश सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तो बेटर यू यूगाइज परफॉर्म रियली गुड बेटर यू यूगाइज यू नो थोड़ी सी इज्जत संभाल के रखो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना टाइम पढ़ाया और बच्चे बिल्कुल गोल गोल नहीं चाहिए पूरे बेटा फुल मार्क्स चाहिए अगर 60 क्वेश्चन का है तो 60 में से 60 आने चाहिए ठीक है यस स्ट्रेटजी बिल्कुल हो गया अलजिया स्ट्रैटेजी परसों की क्लास में हाफ एन आवर का टॉपिक है इसलिए मैंने कल नहीं लिया परसों मेरे दो हाफ आ, हाफ हाफ एन आवर के मैं प्लान भी बताऊंगी प्लस एनिमल ब्रीडिंग भी कराऊंगी ठीक है दोनों होंगे बेटा टेंशन नहीं लेनी मैम कुछ भी छोड़ नहीं रही हैं आई एम नॉट लीविंग इवन अ सिंगल थिंग सो यू गाइज डू नॉट वरी मैंने कमिटमेंट दी थी कि स्ट्रेटेजी का एनिमल ब्रीडिंग वाला पोर्शन मैं ही कराऊंगी तो मैं ही कराऊंगी वो परसों के लिए स्केड्यूल्ड है ठीक है बेटा परसों के लिए स्केड्यूल्ड है यस yes. मुझे तो यार कोई लैग नहीं दिख रहा तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो कौन सा लैग है कौन सा यस yes. बिल्कुल बिल्कुल सिमाचल सिमाचल हो जाएगा सारा हो जाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करें टुडे वी आर टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर द लास्ट चैप्टर एंड वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी ठीक है एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले बेटा आज का स्केड्यूल सुन लो आज का स्केड्यूल कहते हैं कि यार अपनी दस बजे की तो क्लास है ही है, है न सलेबस कम्प्लीट थोड़ी सी तो अच्छी फीलिंग आ रही होगी मुझे आ रही है तो तुम्हें भी आ रही होगी है ना कम्प्लीट सिलेबस डन हो गया इसके साथ साथ एक बज के बीस मिनट पर इसी चैप्टर के प्रीवाई क्यों जिसकी क्लास मैंने पिन करा दी है है ना आपके लिए क्लास पिन हो चुकी है चैट बॉक्स में तो फटाफट -फड़ से जाके क्लास में एनरोल कर लो ठीक है एंड दो बजे जिस तरीके से हम स्पेशल क्लास पे आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेते हैं कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट लेते हैं बिल्कुल वैसा ही मॉक टेस्ट होगा ठीक है बिल्कुल वैसा ही मॉक टेस्ट होगा अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं कि मैम ये करा दो कोई एडवाइस है कोई यू नो ऑर्डर तो नहीं दोगे कोई रेकमेंडेशंस हैं तो आप मुझे वो बता सकते हैं मेरी इन स्पेशल क्लासेज में ठीक है इन स्पेशल क्लासेज में बेटा खास बात ये है कि यू कैन टॉक टू मी

चलिए स्टार्ट करें क्रैश कोर्स बेटा आपका चलता रहेगा एंड तक चलता रहेगा पूरी टीम अनाकेडमी नीट की आपके साथ जुड़ी हुई है इस चीज को सक्सेस बनाने के लिए बस मुझे ना एक चीज का बहुत डर रहता है तुम्हारे कि तुम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो एक दिन आओगे फिर अगले दिन गायब ऐसे मत करना फिर फर्स्ट डे मत आना ठीक है जो मैं नई चीज परसों से कराने वाली हूँ उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट ही मत आना अगर आपको नहीं करना लेकिन जो आना वो पूरा करना क्योंकि यू हैव टू ट्रस्ट द टीचर कि वो जो करा रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए करा रहा है ठीक है लास्ट के कुछ दिन बचे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये कर लेते तो हो जाता ऐसा कोई भी मौका मत छोड़ो तो जहां से समझ आता है जहां से इंफॉर्मेशन तुमने पास्ट में गैदर की है जहां से बेटा आपने बहुत सारे मार्क्स गेन करें उस जगह को छोड़िए मत ठीक है उस जगा को छोड़िए मत। बाकी जो बच्चे क्लास 11th में हैं, या फिर जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं, उनका कोर्स चल रहा है ठीक है कौन से कोर्स चल रहे हैं वन इज विजय भव बैच डिटेल्ड कोर्स चल रहा है जो कि दो साल चलेगा यही विजय भव वाला एंड एक चल रहा है बेटा ट्वेल्थ वालों के लिए संजीवनी बैच ठीक है ये भी आपका एक साल तकरीबन चलेगा यस तो इन सब में आप एनरोल कर लें क्योंकि कोर्सेज ऑलरेडी अप एंड रनिंग है तो तुम लोग ज्यादा लेट हो जाओगे सिलेबस तुम्हारा बच जाएगा बाय यूजिंग कोड सीप्लाइट जिससे आप आ जाएंगे मैम की पर्सनल मेंटोरशिप में ठीक है बाय दिस यू विल कम अंडर द पर्सनल गाइडेंस राइट मैम का डाउट सॉल्विंग पी डी एफ डी पी पी ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्ट सारी डाउट हैंडलिंग ऑडियो पे लाइव वन टू वन मिनटोरशिप सब कुछ पॉसिबल है बाय यूजिंग दिस कोड ठीक चलिए स्टार्ट करें एक बार बता दो तो बेटा चार्ट सेक्शन में शुड वी स्टार्ट आर यू एक्साइटेड फॉर द लास्ट चैप्टर यस क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ये बायोटेक्नोलॉजी की इज्जत बड़ी कम है ठीक है इज़्ज़त इसको कम दी जाती है लेकिन अब इसको इज्जत देनी पड़ेगी तुम्हें क्योंकि पिछली बार छः सवाल आए थे इस बारी हो सकता है सात आ जाए हो सकता है पाँच आ जाए बट इससे कम नहीं आएंगे तो ये चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट अब फेस्टिवल्स का सीजन खत्म आई नो यस्टरडे वॉज अ फेस्टिवल बट आई वॉज रियली ग्लैड टू सी कि बहुत बच्चों ने कल भी क्लास लगाई ऑल कम थे ठीक है मान ली आपके घर गेस्ट आए हुए थे बट प्लीज रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम ये टाइम दोबारा नहीं आएगा तो अब बिल्कुल फेस्टिवल जोन से बाहर आकर पढ़ाई जोन में घुस जाओ अगले कुछ दिन कितने दिन मतलब ट्वेंटी डेज भी नहीं है क्या ट्वेंटी डेज भी नहीं पढ़ाई में घुस सकते ट्वेंटी डेज भी हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अपने फ़ोन के एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें एक्स्ट्रा एप्स निकाल दें जो किसी काम की नहीं है एक्स्ट्रा दोस्तों को ब्लॉक कर दें जो किसी काम की नहीं जो सिर्फ आपको डिस्टर्ब करते हैं 20 डेज बच्चों करियर बन सकता है उसके बाद 20 20 30 200 इयर्स आपके सवर जाएंगे अगर आपने 20 डेज दे दिए तो है ना यस yes? ठीक है चलिए कोई बात नहीं स्टार्ट करते हैं लेट अस स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब यार तुमने बायोटेक्नोलॉजी कर लिया था प्रिंसिपल्स एंड processes क्या कर चुके हैं हम वी हैड ऑलरेडी डन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस अब हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस अब एप्लीकेशंस बहुत सारी फील्ड में होती हैं है ना बहुत सारी फील्ड में आज के टाइम पे हम मेडिसिन भी बना रहे हैं आज के टाइम पे हम इसको एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे बेटा हम इसको बहुत सारी आम, वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है आज के टाइम पर इसको न्यूट्रिशनली एनहांस करने के लिए किसको न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट के लिए भी यूज किया जा रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है सबसे पहले यार बात करते हैं किसकी एग्रीकल्चर की किसकी बात करेंगे यस yes. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर ठीक है दिख रहा है ना एग्रीकल्चर ठीक है अब क्या क्या किया जा सकता है क्या क्या करना है एग्रीकल्चर में सबसे पहले मुझे यील्ड बढ़ानी है है ना यील्ड बढ़ानी है दूसरी चीज मुझे क्या करना है एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में मुझे ऐसी वराइटीज़ लेके आनी है जिससे कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट बनते हो एग्रीकल्चर में मुझे ऐसी वरायटीज़ लेके आनी जिसपे इंसेक्ट ना लगते हो जिसपे पेस्ट ना लगते हो है ना एग्रीकल्चर में मुझे ऐसी वरायटीज लेके आनी है जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो तो बड़ी सारी टेक्निक पास्ट में भी आई है ना पास्ट में भी आई पास्ट में आपने सुना होगा इसके बारे में दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन सुना है सबने एवरी वन हैज हर्ड ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन चलो बता दो सुना तो बता ही दो वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बताइए बताइए वर्ल्ड वाइड फादर माहीन बेटा 2022 तो खत्म हो रहा है हैं जो होगा ट्वेल्थ सितंबर के बाद होगा बेटा बहुत सारी चीज़ें इन पाइपलाइन में है इलेवेंथ के लिए भी ट्वेल्थ के लिए भी ड्रॉपर्स के लिए भी अगर कोई करता है तो बाकी मैं चाहती हूँ कि आप ड्रॉपिंग के बारे में सोचिए मत आप यू नो इसी अटेम्प्ट में बेस्ट दे दो यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा यस बताइए हु द फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन कौन है यस वर्ल्ड वाइड फादर पूछा है वर्ल्ड वाइड फादर नॉर्मन ई पूछाग एंड अगर इंडियन फादर पूछ लेंगे दैट इज गोइंग टू बी एम एस स्वामी नाथन ठीक है तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन तो आई लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या यूज हुए फर्टिलाइजर यूज हुए ठीक है इन्होंने हमारी यील्ड बढ़ा दी चलो बढ़िया कर दिया और क्या यूज हुए पेस्टिसाइड्स यूज हुए जिससे पेस्ट का इन्फेक्शन नहीं हुआ चलो ये भी बढ़िया कर दिया और क्या यूज़ हुई हाई यील्डिंग वेराइटीज़ भी यूज़ हुई लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट करी कि जब आपने ये सब केमिकल्स यूज़ किए तो बहुत ज़्यादा क्या होने लग गई पॉल्यूशन होने लग गई है ना आपकी सॉइल पोल्यूट हुई आपकी वाटर पोल्यूट हुए सो वो चीज़ें धीरे धीरे आपके फूड सोर्सेज में भी आने लग गई बायो मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है तो ये हमें पसंद नहीं आया धीरे धीरे हम फिर किस पे आए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा नेक्स्ट तरीका आया कि यार क्या कर लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेते हैं ठीक है अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेटा आपके पास केमिकल्स uh, की बजाय आप क्या यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे क्या यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर और क्या यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे ये ऐसा मेथड था जिससे हमारा क्रॉप भी अच्छा रह रहा है मेन्योर आपने यूज किया कोई भी पोल्यूशन नहीं हुई बट इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है कि ये सारा मेथड जो है ना दिस होल मेथड इज वेरी स्लो दिस मेथड इज वेरी वेरी स्लो स्लो होने की वजह से हमें अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा और क्या ढूंढा हमने और बेटा जी हमने ढूंढा रिकॉम्बिनेंट बेस्ड एग्रीकल्चर क्या ढूंढा रिकॉम्बिनेंट बेस्ड एग्रीकल्चर ठीक है रिकॉम्बिनेंस बेस्ड एग्रीकल्चर क्या मतलब है कि आप अपने क्रॉप्स के अंदर या तो कोई जीन ऐड कर दो या फिर आप अपने क्रॉप्स में से कुछ माइनस कर दो ठीक है दो ही चीजें कर सकते हो बताइए या तो आप क्या कर सकते हैं जीन एडिशन है ना या तो जीन एडिशन कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं जीन सब्सट्रैक्शन ठीक है बेटा जी यही कर सकते हो ना या तो कोई जीन डाल दिया या फिर किसी जीन को नॉकआउट कर दिया नॉकआउट करने से मतलब है कि या फिर किसी जीन को आपने इनएक्सप्रेसिव बना दिया उसको इनएक्टिव कर दिया ठीक है सबसे पहले बात करते हैं जीन एडिशन की ठीक है किसकी बात करेंगे बेटा जीन एडिशन की यस लेट अस स्टार्ट विध जीन एडिशन देखिए मुझे आप से लोगों से इनपुट्स चाहिए इसमें कोई भी मुझे सोती हुई क्लास तो मैं हैंडल ही नहीं करती हूँ जो क्लास यहाँ के सोती है जिस क्लास ने यहाँ पर आके आपस में चैट वैक्स चैट करना है वो तो मैं हैंडल ही नहीं करती हूँ ठीक है फिर मैं देखना छोड़ दूंगी फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी ठीक तो सारे बच्चे मुझे हंड्रेड परसेंट एक्टिव चाहिए चैट सेक्शन में ठीक है हंड्रेड परसेंट एक्टिव चाहिए ओके यस जीन एडिशन जीन एडिशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपने गोल्डन राइस की जिसपे क्वेश्चन आ चुका है मल्टीपल टाइम्स गोल्डन राइस सोने के चावल खाए ये बेटा सोने के चावल हैं गोल्डन राइस आर गोल्डन राइस बिकॉज ये गोल्डन दिखते हैं अब इसमें क्या चीज हमने ऐड की है दीज आर न्यूट्रिशनली एनहांस्ड राइस कैसे राइस है न्यूट्रिशनली एनहांस्ड राइस न्यूट्रिशनली एनहांस्ड राइस हां जी कैसे किया कैसे किया बेटा गोल्डन राइस के अंदर हमने कुछ जीन डाल दिए जो जीन क्या बनाने में हेल्प करते थे जो हेल्प करते थे बेटा विटामिन ए बनाने में दैट मींस दीज आर न्यूट्रिशनली एनरिस्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप कैसे लेके आए विटामिन ए बनाने का पूरा प्रबंध कैसे किया बेटा आपने गोल्डन राइस के अंदर ना डाल दिया बीटा कैरोटीन का जीन किसका बीटा कैरोटीन का जीन अब प्लांट के अंदर जीन डालना है वेक्टर बता दो कौन सा यूज करोगे बताइए वेक्टर बताइए बेटा कौन सा यूज करेंगे हाँ जी हाँ जी फटाफट से बता दो वेक्टर का नाम बताना है पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है हाँ जी कम ऑन कम ऑन बीटा कैरोटीन का जीन डालना है कैसे डालोगे वाया वेक्टर वेक्टर का नाम बताना है यस बताइए यस वाया एग्रोबैक्टीरियम जिसने भी आंसर दिया है वाया ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना प्लाज्मेड मार खाएंगे एग्रो बैक्टीरियम है बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया ये बीटा कैरोटीन का जीन क्यों डाला क्योंकि बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ठीक है कहां से लेके आए ये डीन डैफोडल से लेके आए सुडोनार्सिस से लेके आए ठीक है नार्सिस सूडोनार्सिस से लेके आए तो अपने जो राइस बने ना राइस जो अल्टीमेटली बने दे वर रिच इन विटामिन ए फायदा हो गया क्योंकि इस राइस के अंदर बीटा कैरोटीन का जीन है ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रकर्सर है तो जो भी ये राइस खाएगा उसकी बॉडी के अंदर वो जीन जाएगा और वो क्या बना देगा विटामिन ए बना देगा सिंपल तो दीज आर विच काइंड ऑफ राइस न्यूट्रिशनली एनहांस्ड वेराइटी ऑफ राइस तो पहली एग्जाम्पल अपनी जीन एडिशन की डॉन दैट इज गोइंग टू बी गोल्डन राइस नेक्स्ट एग्जाम्पल जी ये था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल ठीक है यस yes. सेकेंड एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ हिरोडिन फॉर्मेशन ऑफ हिरोडिन वॉट इज हिरोडिन गाइस वॉट इज हिरोडिन हिरोडिन इज अ टाइप ऑफ नैचुरल एंटीक्गुलेंट ब्लड को लिक्विड में रखने वाला केमिकल क्या कहलाता है आपका हिरोडिन सो इट इज अ टाइप ऑफ नैचुरल नैचुरल एंटीक्गुलेंट एंटीक्गुलेंट मिलता कहां से है मिलता कहां से फ्रॉम द ऑफ दिलाईडिन एरिया जो कि क्या है लीच है किस फाइलम को बिलोंग करती है एनिलिडा को बिलोंग करती है है ना बेटा किस फाइलम को बिलोंग करती है एनिलिडा को बिलोंग करती है ठीक है नेचुरल अब क्या करोगे बेटा आपने इस जीन को सिंथेसाइज किया ध्यान देना हिरोडिन पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है सो यू सिंथेसाइज अ जीन फॉर हिरोडिन केमिकली सिंथेसाइज किया लैब में जीन सिंथेसाइज्ड खुद से बनाया ठीक है खुद से बना लिया ये आपका जीन बना लिया यस किस में डाल दिया एक प्लांट में डाल दिया दैट इज ब्रासिका नेपस ब्रासिका नेपस प्लांट में डाल दिया फिर बेटा जो ब्रासिका नेपस के सीड्स बने ना ऐसे जो सीड्स निकले उन सब सीड्स में से क्या निकलेगा हेरोडिन निकलेगा तो इसमें आपने प्लांट के अंदर ऐसा जीन डाला जो हीरोडिन बना सकता है आप इमेजिन करो हिरोडिन वैसे एनिमल बनाता है हीरोडिन एरिया इज एन एनिमल बट आपने वही काम किसको दे दिया प्लांट को दे दिया यस yes, वही काम आपने किसको दे दिया प्लांट को दे दिया ठीक है ठीक है बेटा रेड कलर नहीं यूज करेंगे रेड से डेंजर साइन आ रहा है ना रेड कलर से क्या आ रहा है डेंजर साइन आ रहा है तो रेड नहीं यूज करेंगे चलिए दो दो क्वालिटीज पता चल गई पहला न्यूट्रिशनली एनहांस्ड राइस बनाना दूसरा बेटा आपका हीरोडिन बनाना तीसरा नंबर आता है तीसरा नंबर आता है बेटा प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना टू मेक द प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्या बनाएंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाएंगे कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे इसमें मदद लेंगे हम एक बैक्टीरिया की बैक्टीरिया का नाम क्या है बैसिलस थ शॉर्ट फॉर्म भैया की क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा जी बीटी क्या है बीटी अब इस बीटी के पास ना इस बीटी के पास एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है क्या होता है इसके पास एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है दैट इज डेल्टा एंडोटॉक्सिन ठीक है डेल्टा एंडोटॉक्सिन ये कैसा है दिस इज एन इन एक्टिव प्रोटीन लेकिन लेकिन बेटा ये प्रोटीन एक्टिव हो सकता है ये एक्टिव एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको क्या मिल जाए अगर बेटा इसको क्या मिल जाए इंसेक्ट मिल जाए अगर इसको इंसेक्ट की मिडगट मिल जाए अगर इसको इंसेक्ट की मिडगट का एल्कलाइन पीएच मिल जाए यस दिस प्रोटीन कैन बिकम एक्टिव ड्यू टू द एलकलाइन पी एच ऑफ इंसेक्ट मिड गट इट की मिड गट में एल्कलाइन पी एच होती है क्वेश्चन आया हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी का ही सवाल है है ना ट्वेंटी ट्वेंटी का ही सवाल है अब इस प्रोटीन को कोड करने वाला जीन का क्या नाम है इस प्रोटीन को कोड करने वाले जीन का नाम है क्राइजीन रोने वाला जीन बेटा रोएगा बैठ के क्राइजीन ठीक है अब क्राई जीन दो तरीके का मतलब तीन तरीके का हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जैसे आपके पास है क्राइवा नेसी देन आपके पास है क्राई टू ए बी ये किसको कंट्रोल करेंगे दे आर गोइंग टू कंट्रोल कॉटन बॉलवॉम कॉटन बॉल वॉम ठीक है देन आपके पास अगला आता है क्राई वन ए बी ठीक है नेक्स्ट आता है आपके पास क्राई वन ए बी ये किसको कंट्रोल करेगा ये किसको कंट्रोल करेगा कौन बोरर्स को कौन बोरर्स को ठीक है तो हम करते क्या है हम करते क्या है बेटा आपके पास ये प्लांट है ये मैंने प्लांट बना दिया आपने इस प्लांट को क्या बनाना है इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है क्या बनाना है इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है तो आप इसके अंदर यस इस प्लांट के अंदर क्या डाल देंगे बीटी का जीन डाल देंगे क्या डाल देंगे बीटी का जीन डाल देंगे कैसे डाल देंगे उसी तरीके से एग्रो बैक्टीरियम की हेल्प से आपने क्या कर दिया जीन डाल दिया जीन डालने से बेटा जब भी कोई इंसेक्ट इसको खाएगा ना ये आया आपका इंसेक्ट ठीक है दिस इज एन इंसेक्ट मान लीजिए ये इंसेक्ट आया इंसेक्ट ने बेटा प्लांट को खाया प्लांट को खाने के बाद ये जीन इसके अंदर गया जो प्रोटीन बनाया था प्रोटीन इसके अंदर गया प्रोटीन इसके अंदर जाने के बाद क्या हो गया एक्टिव हो गया ठीक है इसकी गट में जाने के बाद प्रोटीन क्या हो गया एक्टिव हो गया प्लांट बेटा बच नहीं पाया क्योंकि एक्टिव होने के बाद ये प्रोटीन प्लांट की गट में पोर्स क्रिएट करता है क्या क्रिएट करता है इट क्रिएट्स पोर्स इन द गट ऑफ द प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ यस yes, यहाँ पे ध्यान दीजिए

अब एक एक लाइन प्लीज मेरे साथ साथ पढ़ना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रोड्यूस कैसे लाइक लाइको बर्डवॉम आर्मी वोटर डायप्टर ठीक है बीटी क्या बनाएगा क्रिस्टल्स बनाएगा इन द फेज ऑफ देयर ग्रोथ एंड दीज क्रिस्टल्स विल कंटेन एन इंसेक्टिसाइड प्रोटीन तभी तो इसका नाम कराई है क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेबल है क्रिस्टल्स बनाता है ठीक है ज दिस टॉक्स इन नॉट किल अब बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार दिया क्योंकि बेटा बैक्टीरिया के अंदर ही एक्टिव नहीं था इसको एक्टिव होने के लिए प्लांट की मिड गट चाहिए ठीक है एल्के गईज द क्रिस्टल इज दिस क्लियर एक बार बता दो बेटा क्या ये बात क्लियर हुई सब बच्चों को ये इसका इसका मॉन्टेल मे क्लास को लाइक करके बता दो यार सेशन को लाइक करके बता दो इज दिस क्लियर और नॉट हाँ जी बताइए आई एम लुकिंग एट योर कॉमेंट्स बेटा आज इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं नहीं समझोगे पेपर में नहीं अच्छा कर पाओगे अभी नहीं अच्छा करोगे बाद में एक्चुअल नीट एग्जाम में अच्छा नहीं करोगे तब अच्छा नहीं करोगे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी जॉब नहीं मिलेगा तो बेटा अच्छी शादी नहीं होगी इट्स अ विशियस साइकिल ठीक है इट्स अ विशियस साइकिल यस ठीक है यस yes, अब मैं इधर हो जाती हूं अब दिखेगा यार अब दिखेगा चलो आ जाओकेज इन एक्टिव प्रोटॉक्सिन पता चल गया आपको एल्केलाइन पीएच में जाकर क्या हो जाता है सोलिबलाइज हो जाता है और एक्टिव हो जाता है सो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन करा क्या गया बी टी टॉक्सिन जीन वन आइसोलेटेड फ्रॉम द बीटी इनकॉर्पोरेटेड इन टू द्लांट्स किस में जैसे कॉटन में इनकॉर्पोरेट कर लिया हमने द चॉइस ऑफ जीन विल डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड बेस्ट है ना क्या नाम है जीन का क्राई क्योंकि रोंदड़ू जीन है ना क्या क्या है जीन से क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी इट विल कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉम एंड क्राई वन ए बी विल कंट्रोल द कॉन बोरर यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट है बेटा दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जीन क्या कंट्रोल कर रहा है अब मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ लुक एट प्लांट डायग्राम भी आ सकता है कॉटन बॉल दिख रही है ये बी कॉटन है ठीक है ये फर्स्ट वाली ध्यान दीजिए फर्स्ट वन ए पार्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय द बॉलवॉम। इसमें दिख रहा है कॉटन का फूल ही नहीं है खत्म हो गया बॉल खा गए इसको इंसेक्ट खा गए दूसरा देखिए बी वाला बी वाला इस फुली मेच्योर कॉटन बॉल ठीक है इसे प्रॉपर व्हाइट कलर की कॉटन आपको दिखाई दे रही है ठीक है प्रॉपर व्हाइट कलर की कॉटन आपको दिखाई दे रही है ठीक यस आगे आ जाइए बेटा नेक्स्ट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अब यहाँ पे हमने इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना रही है अब ये कैसे बनाया था बाय द मेथड ऑफ जीन एडिशन अभी हमने क्या किया था जीन एडिशन uh, आपके गोल्डन राइस में भी जीन को ऐड किया हिरोडिन बनाने में भी जीन को ऐड किया ये बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल बीटी टोमेटो ये सब बनाने में भी बीटी का जीन हमने ऐड किया अब बात करेंगे जीन सब्सट्रैक्शन की किसकी बात करेंगे बेटा जीन अब्सट्रैक्शन जरा ध्यान दो इधर समझा दू इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है जीन सब्सट्रैक्शन ठीक है जीन एब्रैक्शन का मतलब होता है नॉकआउट ऑफ द जीन मतलब रिमूव रिमूव कर दो या तो जीन को जो नहीं चाहिए या फिर उसको इनएक्टिवेट कर दो तो दो चीजें कर सकते हैं आप या तो क्या कर सकते हैं नॉकआउट जीन नॉकआउट वो होता नहीं क्रिकेट में नॉकआउट करते हैं नॉकआउट का मतलब आउट ही होता है ना क्या होता है क्रिकेट में वॉट इज नॉकआउट बताओ जरा तुम लोग क्रिकेट के फैंस लग रहे हो मुझे हाँ जी बताइए 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 ठीक है ठीक है यस व्हाट इज दैट नॉकआउट बताइए आउट होने को बोलते हैं ना आई एम नॉट अ बिग क्रिकेट फैन मुझे इतना नहीं आता तुमको पता होगा है ना आउट हो जाना इज कॉल्ड एज नॉकआउट बिल्कुल सही देखिए उसी तरीके से यहां पर जीन को भी क्या कर देना है नॉकआउट कर देना है आउट कर देना है जीन को हमने क्या कर देना है सबट्रैक्ट कर देना है और एक जो मेथड है आपके पास दैट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस इसको अच्छे से समझ लेना आरएनए आई है ना दैट इज आर एन ए इंटर फेर ठीक है अब ये किसने दिया था एंड्रू फायर एंड क्रेग मेलो ने ठीक है इट वॉज गिवन बाय एंड्रू फायर एंड क्रेग मेलो ठीक है दिस वॉज गिवन बाय दीज टू साइंटिस्ट और सबसे पहले देखा गया था नेमेटोड में फर्स्ट सीन इन नेमेटोड्स सबसे पहले देखा गया था बेटा नेमेटोड में सियानो रैबडिटस रैबडिटस एलिगेंस एलिगेंस ठीक है अब वैसे तो बेटा ये नेचुरल मैकेनिज्म है सबके अंदर होता है सारे यूकैरियोट्स के अंदर ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है इट इज नेचुरल मैकेनिज्म सब में होता है मैकेनिज्म इन प्रो में नहीं यू में इज मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस इन ऑल द ठीक है अब हमने यहाँ पर किस प्लांट पे यूज किया प्लांट की बात चल रही है तो प्लांट लिया बेटा जी अपने टबाको प्लांट बचाना है उसको ठीक है टबाको का प्लांट लिया ठीक है टबाको प्लांट लिया वी वॉन्ट टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट कौन से पेस्ट से बचाना चाहते हो आप इसे एक नेमेटोड से बचाना चाहते हो ठीक है नेमेटोड कौन है कौन से नेमेटोड से बचाना चाहते हो मेलॉइडो गाइनी इनकॉग्नेटा मेलॉइडो गाइनी इनकॉग्नेटा ठीक है दिस इज कॉल्ड एज रूट नॉट नेमेटोड कैसा नेमेटोड है बेटा रूट नॉट नेमेटोड क्या मतलब है रूट नॉट का मतलब ये टबैको की प्लांट की रूट्स में गांठे प्रोड्यूस करता है नॉट समझते हो गांट लगा देना चोटी नहीं बनाते नॉट बना लेते हैं ऊपर जूड़ा बना लेते हैं लगा so है, टबैको है, प्लांट अगर उसकी रूट कर दोगे गांठे लगा दोगे रूट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी प्लांट अपना हेल्दी नहीं हो सकता तो इसमें अपने करेंगे क्या ये जो अपना टबैको प्लांट है ना टबैको प्लांट के अंदर नेमेटोड आने से पहले ही इसके स्पेसिफिक जीन डाल देंगे नेमेटोड स्पेसिफिक जीन पहले ही डाल देंगे हम एक्चुअल आने से पहले ध्यान देना। so, मैं पर एक लाइन लिख रही हूं. सब बच्चे ध्यान देंगे ये जो प्लांट है कौन सा टबैको प्लांट है दिस इज इंट्रोड्यूस्ड विद इंट्रोड्यूस्ड विद पैथोजेनिक जीन ऑफ नेमेटोड पहले जीन डाल दो पैथोजेनिक जीन ऑफ नेमेटोड ठीक है जो अल्टीमेटली क्या बना देगा सेंस आर एन ए जीन डाल दिया तो आर एन ए बनेगा एंड एंटी सेंस आर एन एंटी सेंस आर एन ए अब ये दोनों आर एन ए आपस में क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो अल्टीमेटली आपने क्या बना लिया आपने बना लिया बेटा जी एक डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए ये सब बन चुका है एक्चुअल नेमेटोड आने से पहले सब कुछ रेडी है बेटा सब कुछ रेडी है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रेडी है अब जब आपका एक्चुअल नेमेटोड आएगा तब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके असली आरएनए से जुड़ेंगे और उसको साइलेंस कर देंगे समझे जब आपका एक्चुअल नेमेटोड आएगा एक्चुअल नेमेटोड आया उसने अपना आरएनए बनाया इस आरएनए के साथ ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जुड़ा और इसको क्या कर दिया साइलेंस कर दिया समझे समझे बेटा तैयारी करके बैठे हैं टबैको प्लांट में हम क्या करके बैठे पूरी तैयारी करके बैठे हैं हमने क्या किया है कि हमने पहले ही नेमिटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिए जिसने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया ये जो डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड बेटा आपका आरएनए है यही जाके क्या करेगा साइलेंस करेगा देख लो यहां देख लो बेटा यस सो द टेक्निकल्ड एज आर एन ए इंटरफेरेंस हर यू में होती है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एम आर एन ए ड्यू टू डबल स्टैंडर्ड आर एन ए ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया ना ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया इस पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है मल्टीपल टाइम्स बेटा क्वेश्चन आ चुका है ठीक है यस सो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर से आपने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिए और बेटा उसने क्या बना लिया डबल स्टैंडर्ड आरएनए जिसने आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी यस लुक लुक एट एट दिस दिस डायग्राम डायग्राम गाइस हाँ जी ए प्लांट देख लो रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट ये देखिए बेटा गांधे कैन यू सी कैन यू सी द नॉट्स ये दिख रहा है सबको ये देखिए ऐसी होती है रूट नॉट डिजीज दिस इज अ कंट्रोल प्लांट जिसको बीमारी है जिसमें नेमेटोड घुस चुका है ये इस तरीके से गांठे पड़ रही है एंड दूसरा ट्रांसजेनिक प्लांट रूट फाइव डेज आफ्टर डेलीबरेटली इंफेक्शन विद नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नॉवल मैकेनिज्म अब ये वो प्लांट है जिसमें आर एन ने आई कर दी है क्या कर दी है आर एन इंटरफेरेंस कर दिया तो यहाँ गांठे नहीं है यहां पर बेटा जी गांठे नहीं है तो ये है मैकेनिज्म ऑफ आर एन इंटरफेयरेंस बता दो बेटा इज दिस क्लियर फटाफट से बताइए क्या ये बात समझ आई यस 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 बताइए क्या ये बात समझ आई हाँ जी बता दो ठीक है तो अपना आर एन भी हो गया ये थी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ योर एग्रीकल्चर अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन दवाइयाँ भी बनती हैं क्या बनती हैं दवाइयाँ भी बनती हैं लेकिन मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज समझ लो यार टमाटरों के बारे में टमाटोज टमाटोज राधर दे आर टमाटोज तो हमने रिकॉमिन डी टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रांसजेनिक टमाटोज बना लिए क्या बना लिए ट्रांस जेनिक टमाटो हाँ जी उस टमाटो का नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो अब इस टमाटो टमाटर यार जब तुम लेके आते हो तुमने फ्रिज में डाल दिए ज्यादा दिन रखोगे वो बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं ना पिले से हो जाते हैं कि मतलब गए टमाटर की जो एक रिजिडिटी है उसके अंदर वो खत्म हो जाती है है ना वो किस वजह से खत्म हो रही है क्योंकि उसके अंदर एक जीन है जो उसको सॉफ्ट बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगैलेक्ट यूरोनोज ठीक है सो टमाटोज की बेटा अर्ली राइपनिंग होती है उट दाइपनिंग ऑफ टमाटो है ये क्या करता है डिग्रेड दल वॉल ऑफ द टमाटो अगर मैं इस जीन को साइलेंस कर दू जिसने पॉली गैलेक्ट यूरो बनाना था अगर हम क्या यूज करके आर एन इंटरफेरेंस यूज करके आर एन इंटरफेरेंस यूज करके ये जीन बनाने वाले को क्या कर दे साइलेंस कर दे अगर हमने जीन साइलेंस कर दिया तो ये नहीं बन पाएगा अगर ये नहीं बना तो सेल्वोल डिग्रेड नहीं होगी तो इससे बेटा टमाटर ज्यादा समय तक आपका थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है और वो सॉफ्ट नहीं होता है, है ना सॉफ्टनिंग नहीं होती है टमाटर की तो दैट मीन्स बाय दिस वी आर गोइंग टू तो इंक्रीज दी शेल्फ लाइफ ऑफ टमाटो शेल्फ लाइफ है ना ज्यादा देर आप उसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हो सो दिस इज हाउ वी यूज जीन सब्सट्रैक्शन इन एग्रीकल्चर बस ये नाम याद रखना नाम क्या है भैया इसका फ्लावर सैवर टमाटर किसको पसंद है किसको पसंद है बेटा टमाटर सबको पसंद है टमाटर की चटनी ज़्यादा देर तक रहेंगे टमाटर हर चीज में हमें डालना पसंद है चलो आ जाओ नेक्स्ट आता है बेटा जी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन तो हमने क्या किया है बहुत सारे ड्रग्स बनाए हैं क्या बनाए हैं ड्रग्स बनाए हैं सो वी हैव फॉर्म्ड वेरियस काइंड ऑफ थेरापिटिक्स ड्रग्स थेरापिटिक्स ड्रग्स बनाए फायदा क्या होता है आपने रिकॉमेंड एंड टेक्नोलॉजी से क्यों बनाए क्योंकि आप यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स बना सकते हो कम समय में ठीक है लार्ज नंबर एक तो फायदा यह हुआ कि नंबर बड़ा बढ़ गया दूसरी चीज़ बेटा सेफ ड्रग्स बनाए तीसरी चीज़ बेटा हमने यहाँ से इफेक्टिव ड्रग्स बनाए कितने थेरापिटिक्स बना चुके हो टोटल टोटल बेटा ग्लोबली थर्टी थैरापिटिक्स दे आर दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस तीस में से बारह दे आर करंटली मार्केटेड इन इंडिया समझ रहे हो इसमें से बारह मार्केटेड इन इंडिया इंडिया में टोटल 12 ड्रग्स मार्केट होते हैं 30 वैसे बन चुके हैं ठीक है 30 वैसे बन चुके हैं अब इसमें से हमने किसकी बात करनी है इन 12 में से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन इंसुलिन किसके बारे में बात करेंगे ह्यूमन इंसुलिन ठीक है इंसुलिन वैसे इंसुलिन कौन बनाता है नेचुरली अगर देखा जाए आपकी बॉडी में इंसुलिन किसने बनाया आइलेट ऑफ लैंगर हंस के बीटा सेल्स ने बनाया है ना दिस इज नेचुरली फॉर्म्ड बाय नेचुरली फॉर्म्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगर हंस एक बात बता दूं बच्चों मैं आपको लेट मी टेल यू वन थिंग लेट मी टेल यू वन थिंग हाँ जी कितनों अलाउ किया बिल्कुल ठीक बिट्टू कुमार बारह को अलाउ किया लेट मी टेल यू वन थिंग इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन कहाँ से आएगा क्वेश्चन आएगा बेटा एक बीटी में से बीटी कॉटन का पूरे कॉन्सेप्ट में से क्राइजीन uh, है कौन सा क्राइजीन किसको कंट्रोल कर रहा है या फिर कहाँ एक्टिव हुआ कहाँ इनएक्टिव है या तो क्वेश्चन इसमें आएगा या क्वेश्चन बेटा इंसुलिन में से आएगा ये हंड्रेड परसेंट है इन दो टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना एनसीईआरटी से बाहर इसमें आता नहीं है बट एनसीईआरटी भी पढ़नी आनी चाहिए समझनी आनी चाहिए मेरे हर क्लास के बच्चे जो मुझे रोज़ फॉलो करते हैं मैं बता दूं कि यहाँ पर तो क्लास मैं लगा ही रही हूँ माइंड मैप्स बन रहे हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं बट बट बेटा इसकी प्रैक्टिस इसकी एनसीईआरटी आप खुद पढ़ेंगे अभी जाकर

तो अपने को बीमारी हो जाएगी कौन सी डायबिटीज हो जाएगी द पर्सन इज गोइंग टू गेट डायबिटीज मेलेटस शुगर वाली डायबिटीज इंसिपिटस नहीं होगी कौन सी होगी डायबिटीज मेलेटस हो जाएगी ठीक है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है जिस वजह से अगर उसको डायबिटीज है तो बाहर से इंसुलिन दे दो कैसे इंसुलिन दे दो द ट्रीटमेंट इज बेटा गिव इंसुलिन इंट्रावेनसली कैसे दे दो इंसुलिन इंट्रावेनस इंसुलिन दे दो भाई इंट्रावेनस क्यों दिया पोलियो ड्रॉप्स की तरह दे देते ड्रॉप्स दे देते इंसुलिन की क्या कोई बता सकता हाँ है मुंह से दे देते जैसे पोलियो ड्रॉप्स देते हो ऐसे क्यों दे रहे हो इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो बेचारे को दर्दे कर रहे हो जबरदस्ती हाँ जी वाई नॉट गिवन ओरली बताइए 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 हाँ आईवी इंजेक्शन देंगे बट ओरली भी तो दे सकते थे सोचे कभी इसका आंसर आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन में इसका आंसर बिल्कुल ठीक मूवीज शॉट ने सही आंसर दिया क्योंकि इंसुलिन एक कैसा हार्मोन है इंसुलिन एक प्रोटीनशियस हार्मोन है प्रोटीन अगर तुम खाओगे तो स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन है वो तोड़ देगा इंसुलिन को इट विल गेट डाइजेस्टेड इसीलिए बेटा इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जाता बिकॉज इट इज डिग्रेडेड बाय द एलिमेंट्री कैनॉल ठीक है इंसुलिन अब ओरली तो नहीं दे सकते लेकिन देना तो है तो कहाँ से ले, ले लेते हैं हमने सोचा चलो ले, ले लेते हैं अपने स्लॉटर्ड काउज एंड पिग से स्लॉटर्ड काउस एंड पिग से ले लेते हैं ठीक है पिग से ले लेते हैं बट इसमें भी दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत आ रही है इंसुलिन तो अच्छा है काम कर रहा है लेकिन कुछ लोगों में क्या करने लग गया ये एलर्जी करने लग गया क्या करने लग गया कुछ लोगों में एलर्जी करने लग गया तो यार ये मेथड भी मुझे छोड़ना पड़ा अल्टीमेटली वी केम टू दैथड ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी की आप जेनेटिकली मॉडिफाइड करके होस्ट को इंसुलिन बनाइए ठीक है तो यहाँ पे दिस वॉज फॉर्मड बाई प्रॉब्लम्बिनेंट इंसुलिन ये प्रॉब्लम किसने सोल्व की रिकॉम्बिनेट इंसुलिन ने सॉल्व किया एलर्जी वाली ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन किसने बनाया एक कंपनी है यूएस बेस्ड कंपनी है दैट इज कॉल्ड एज एली लिली एली लिली ने बनाया इन द ईयर 1983 इन्होंने क्या किया पहले स्ट्रक्चर स्टडी किया इंसुलिन का कि पहले स्ट्रक्चर देख लेते तभी बनाएंगे है ना बेटा यस स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर जब अपने ने देखा इंसुलिन का यस सो इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर देन इंसुलिन के अंदर तीन पॉलीपेप्टाइड की चेन्स मिली कितनी थ्री चेन्स मिली किसकी पॉलीपेप्टाइड की जिन चेन में से जिन चेन में से बेटा नाम है इनके ए बी एंड सी इसका क्रोमोजोम कहां है दीज आर कोडेड बाई द जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर इलेवन अब जब हमने देखा इंसुलिन के स्ट्रक्चर को तो यार ये बनता एक्टिव नहीं है एक्चुअली में ये इनएक्टिव फॉर्म में बनता है ठीक है सो टॉकिंग अबाउट इन एक्टिव इंसुलिन इनएक्टिव इंसुलिन के अंदर ए चेन भी थी इसके पास बी चेन भी थी एंड इसके पास सी चेन भी थी सी चेन भी थी इस तरीके से प्रेजेंट था बेटा इनएक्टिव इंसुलिन जरा देखो ये है आपकी ए चेन यस दिस इज योर ए चेन देन दिस वन इज योर बी चेन ठीक है एंड देन वी हैव गॉट अनदर चेन दैट इज कॉल्ड एज सी चेन सो दिस इज योर सी चेन ये है आपका इनएक्टिव इंसुलिन लेकिन जब ये एक्टिव होता है क्या होता है बेटा लेकिन जब ये किस में कन्वर्ट होता है एक्टिव इंसुलिन में तो इसकी एक चेन गायब हो जाती है कौन सी सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड यस सो एक्टिव इंसुलिन के पास सिर्फ क्या है ए चेन एंड बी चेन देयर इज नो सी चेन तो एक्टिव इंसुलिन लुक्स लाइक दिस ठीक है ऐसे दिखता है तो ये अपनी ए चेन है एंड साथ ही में अपनी यहां पर क्या है ये बी चेन है एंड बोथ ए एंड बी चेन दीज आर ज्वाइंड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड कैसे बॉन्ड है डाइसल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड ठीक याद रहेगा याद रहेगा कि इंसुलिन बनाने के लिए अब मुझे सी चेन की जरूरत ही नहीं है क्यों बनाए तो एलि ने सोचा जब एक्टिव इंसुलिन में सी होता ही नहीं है तो अपने सी क्यों बनाए अपने ए चेन का सामान तैयार करते हैं बी का तैयार करते हैं फिर दोनों को जोड़ देंगे कैसे जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स ठीक ठीक सी पेप्टाइड हैज टू बी विद्पऑफ तो जेनेटिकली इंसुलिन को कैसे बनाया गया कॉमर्शियली बात करूं अगर कॉमर्शियली लिली ने क्या किया एली लिली एली लिली ने बड़ा दिमाग लगाया जिससे उनके रिसोर्सेज बचे ठीक है तो उसने पहले ए चेन की तैयारी की ये ए चेन है साथ ही बेटा उसने तैयारी की अपनी बी चेन की सी को छोड़ दिया ये आपकी क्या है बी चेन है ठीक है ए चेन का सीक्वेंसिंग की अमाइनो एसिड सीक्वेंस सीक्वेंसेंड यस इसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस लिया सैंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग थे इससे क्या बनाया एम बनाया एम से क्या बनाया सी बनाया इस सी को डाल दिया बेटा ई e. को के अंदर ठीक है इस सी डी एन ए को डाल दिया अपने ई e कोलाई के अंदर एंड अल्टीमेटली अपने पास यहाँ पर कौन सा प्रोटीन आ जाएगा ए चेन वाला प्रोटीन आ जाएगा वही चीज उसने किसके साथ की वही चीज बेटा उसने किसके साथ की बी चेन पहले इसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस देखा इससे एम आर एन ने बनाया इससे बेटा जी सी डी एन ने बनाया एंड इसको भी डाल दिया अपने ई e कोलाई के अंदर ठीक है ई e कोलाई के अंदर और यहाँ से जो प्रोटीन निकला वो कौन सा निकला बी चेन का निकला तो एक चीज बहुत ध्यान देना एंड बी चेन दे आर सिंथेसाइज्ड सेपरेटली अलग अलग बनाई सी तो बनाई नहीं है ए एंड बी चेन दीज आर सिंथेसाइज्ड सेपरेटली लेटर ऑन लेटर ऑन बेटा बो दीज चेन्स दीज आर जॉइंड बाय जॉइंड बाय डाई सल्फाइन पॉट्स ठीक है बेटा कैसे जॉइन कर दोगे लेटर ऑन दीज आर जॉइंट बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड्स इज दिस क्लियर यस बेटा क्या ये बात समझ आई क्या ये बात समझ आई तो ये जो इंसुलिन बनाया एली लिली ने इतनी मेहनत करके इस इंसुलिन को नाम दिया गया है क्या ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड एज ह्यूमुलिन शीशिया मिलती है बेटा ह्यूमुलिन की जिसके इंजेक्शन लगते हैं दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन ह्यूमन इंसुलिन से आ गया ह्यूमुलिन ठीक है यस yes, आग लगा दी तो सेशन को लाइक कर दो यार बड़े कंजूस हो वैसे तुम करते नहीं हो है ना करते नहीं हो सेशन को लाइक बहुत ही ज्यादा कंजूस हो चलो आ जाओ अब इसी तरीके से बेटा हमने क्या बनाया मेडिसिन में एक एग्जाम्पल हो गई दूसरी एग्जाम्पल है अपना ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी अपने ने इसी तरीके से बना लिया यस नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपने मेडिसिन में दैट वाज सीन इन जीन थेरेपी यस नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा जी आ रही है आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो डिटेल में करनी है हमने दैट इज जीन थेरेपी जीन थेरेपी बेसिकली इट इज यूज टू ट्रीट इनहेरिटेड डिसऑर्डर ठीक है यूज टू ट्रीट इनहेरिटेड डिसऑर्डर इनहेरिटेड डिसऑर्डर एक बात बताओ क्या सबको पता चल चुका है अबाउट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और नॉट डू एवरी वन नोज हेयर या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं कि हम क्या लेके आ रहे हैं इतनी बड़ी चीज लेके आ रहे हैं डू यू नो अबाउट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जिसमें पांच मॉक टेस्ट होने, है, होने हैं न्यू एनटी ए पैटर्न पे रहे हैं बताना जरा यस बताइए डू यू नो अबाउट दैट और नॉट नो यस पता है बेटा नहीं एनरोल करोगे ना रह जाओ के पीछे मैं बता दू बेस्ट प्रोडजी के बाद ये अगला मॉक टेस्ट है जिसमें बच्चा अपना रैंक प्रडिक्ट कर सकता है जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं सीट्स जो है ना वो लिमिटेड है सीट्स जो है ना अपने पास वो क्या है लिमिटेड हैं तो ये सारी चीजों में एनरोल कर दिया सब ने एनरोल कर लिया तो सब बच्चे एनरोल कर लें बाई यूजिंग कोड सी प्लाइव फ्री टेस्ट है पाँच टेस्ट होंगे नौ सितंबर तक आपके खत्म हो जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे तो ये इनरोल कर लेना और आज की क्लास में भी एनरोल कर लिया डेढ़ बजे वाली चलिए आ जाइए जीन थेरेपी पे आ जाइए सो so, जितनी भी जेनेटिक डिजीजेज हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं करना क्या है जीन थेरेपी बेटा इट्स एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद द न्यू वन कोई खराब जीन पड़े जो काम नहीं कर रहा उसको हटा के नया फंक्शनल जीन डाल दो इसको क्या बोला जाता है जीन थेरेपी बोला जाता है सो फर्स्ट सक्सेसफुल केस वॉज डन ऑन अ फोर ईयर ओल्ड गर्ल फोर ईयर ओल्ड गर्ल शी वॉज हैविंग स्किड उसको क्या बीमारी थी स्वीयर कंबाइंड स्वीयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशेंसी क्या बीमारी थी स्वीयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशेंसी ठीक है स्वीयर इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंसी में क्या होता है स्वीयर इम्यूनो इम्यूनोडेफिशंसी में उसके पास एक जीन डिफेक्टिव है क्या कौन सा जीन डिफेक्टिव है एडीए एडीए डेफिशियंसी एडीए डेफिशियंसी वी एस इज एडिनोसन एडिनोसिन डी एमिनेस एडिनोसिन डी एमिनेस ठीक है ये किस काम आता है ये लिम्फोसाइट को मेच्योर करता है लिम्फोसाइट मेच्योरेशन के लिए भैया बहुत जरूरी है लेकिन इस गर्ल के अंदर इस बच्चे के अंदर ही जीन ही नहीं बना जीन नहीं है तो बेटा प्रोटीन नहीं बन पाएगा अगर ये एंजाइम नहीं बना एंजाइम नहीं बना तो उसके लिम्फोसाइड मेच्योर नहीं होंगे एंड हर इम्यून सिस्टम वुड बी वेरी कॉम्प्रोमाइज उसको छोटे छोटे इन्फेक्शन हो सकती है इसीलिए उन बच्चों को ऐसे बबल में रखा जाता है बबल में रखने का क्या मतलब है कि अंदर बबल के स्टेरिलाइज एयर है उसको कंटेमिनेशन नहीं होगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो कुछ मेथड यूज़ किए गए जिससे उस बच्चे को बचाया जा सकता है हाँ जी पहला मैथड क्या कर दो एंजाइम डाल दो एंजाइम नहीं बन रहा बाहर से डाल दो दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बट कब तक डालोगे कब तक डालोगे आज डाला हफ्ता चला दोबारा डाल रहे फिर हफ्ता चला दोबारा डाल रहे। टेम्परेरी मेथड है मजा नहीं आया हां जी दूसरा मेथड क्या किया गया नेक्स्ट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये भी क्या है अगर आप बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन करते हो एडल्ट में बच्ची एडल्ट है है ना एम्ब्रियो एम्ब्रियो तो नहीं है बर्थ हो चुका है तो इस टाइम पर भी आपकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में देयर कुड बी एन इशू ये भी क्या है एक तरीके का टेम्प्रेरी मेथड है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेम्प्ररी मेथड तो परमानेंट मेथड लेके आओ ये तो सारे क्या हैं आपके टेम्प्रेरी हैं ठीक है टेम्प परमानेंट मेथड आपके सामने आएगा परमानेंट मेथड आएगा जीन थेरेपी ठीक है जीन थेरेपी आप फंक्शनल एडीए का जीन डालिए जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही था आपको ये चीज तो पता लगा सकते हो एम्ब्रियो में ही हमें पता चल जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर तो आप फंक्शनल एडीए का जीन डालेंगे लेकिन बर्थ के बाद नहीं डालेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डालेंगे सो फंक्शनल एडीए जीन फंक्शनल ए डी ए जीन पहले कोशिश की थी एडल्ट में डालने की भी बट बारी बारी डालना पड़ता था क्योंकि लिम्फोसाइट का जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड है ठीक है वो हफ्ते दस दिन के लिए जिंदा रहते हैं अब बारी बारी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आप ये जीन थेरेपी करिए किस स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ठीक है दैट इज गोइंग टू बी द पर्मानेंट क्योर दिस इज गोइंग टू बी द पर्मानेंट क्योर इज दिस क्लियर जीन थेरेपी क्लियर हुई सबको बताइए भैया यस yes गाइस सबको पता है ना कल मैं इस क्लास में क्या कराने वाली हूँ बता दो एक बारी कल मैं इस क्लास में क्या कराने वाली हूँ हाँ जी बताइए कल मैं इस क्लास में क्या कराने वाली हूँ हैं कल इस क्लास में ना आपका टेस्ट होने वाला है बेटा फर्स्ट जाओगे मैं बता रही हूँ तुमको है फर्स्ट जाओगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और जब वो क्वेश्चंस नहीं आते ना तो ऐसा कॉन्फिडेंस डाउन होता है ऐसी डीमोटिवेशन होती है कि बेटा अगले दस दिन उठना मुश्किल हो जाएगा और उसी के बाद ही पेपर है इसीलिए पढ़ाई नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे नहीं होंगे तो डीमोटिवेशन होगा डीमोटिवेशन होगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगी है ना कल मजा आएगा कल मजा बेटा मुझे भी आ जाएगा लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम डीमोटिवेट हो मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्वेश्चन सेशन से मोटिवेट हो तुम्हारा फायदा हो कुछ ठीक है फायदा हो है ना हाँ जी कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट सिलेबस फ्री है बेटा कल की क्लास सारी क्लासेस फ्री है चलो तो ये बात होगी आपकी जीन एडिशन की कहाँ गए अपने रुको जीन थेरेपी की वेयर इज जीन थेरेपी हाँ जी इंसुलिन कर लिया चलो आ जाओ फटाफट से कंप्लीट करें चैप्टर को दिस इज प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन का क्या मतलब होता है इनएक्टिव इंसुलिन ये अपनी ए चेन है ये बी चेन है ये सी चेन है तो सी चेन अपने ने हटा दी ए और बी को जोड़ दिया कैसे बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ठीक जीन थेरेपी जीन थेरेपी इज ऑल्सो डन ठीक है आपसे पूछा जा सकता है परमानेंट क्योर है परमानेंट क्योर क्या है दैट आप न्यू सेल्स डालिए जो एडीए बनाते हैं इन टू द सेल्स एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज किस स्टेज पे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज चलो आ जाओ अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मोलिकुलर डायग्नोसिस किसमें अगर आपको कोई बीमारी का पता लगाना है है ना तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो आप बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के यूज कर सकते हैं जैसे पीसीआर पीसीआर कितनी बीमारियों को डिटेक्ट करने में यूज होता है आर टी पी सी आर कराया था कोविड के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है बायो टेक्नोलॉजी टेक्निक ओनली तो ये भी एक तरीके से एप्लीकेशन है बायोटेक की ठीक है बायोटेक की तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो आपको यहां पर ध्यान देना है जिन वर्ड्स पे दैट इज गोइंग टू बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बॉलीमरीज चेन रिएक्शन अर्ली डिटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है देन एम्स एड्स का एम्स का कह रही हूँ हाँ जी एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यह भी बेटा अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज होता है पता है ना एलाइजा पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में ठीक है अब आ जाइए प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली वेन पैथोजन प्रोड्यूस अ सिम्टम जब खांसी जुकाम होगा तभी तो बेटा पता चलेगा कि पैथोजन है है ना

कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्प्लीफिकेशन बाई यूजिंग पीसीआर बेटा मैं एक बात बताऊ एच आई वी का जब हम डिटेक्शन करते हैं एच आई वी बॉडी के अंदर छ महीने से कुछ साल ले सकता है सिम्टम्स दिखाने में लेकिन अगर आपको शक है दैट यू हैव हैड एन अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विद समन तो आप एलाइजा ना करा के मतलब वेट ना करके आप पीसीआर करा लेंगे तो आपको सिम्टम से पहले ही पता चल जाएगा आपके अंदर एच है या नहीं सो अर्ली डिटेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक इंपॉर्टेंट है आपकी पी सी आर इंपॉर्टेंट है ठीक है पी सी आर इंपॉर्टेंट है ठीक है इट्स अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स एज वेल अब अगला आ जाइए नेक्स्ट टेक्निक इज ऑटो रेडियोग्राफी क्स्ट टेक्निक इज ऑटो रेडियोग्राफी हां जी इस टेक्निक में क्या करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में आपने क्या किया आपको पता लगाने की यार म्यूटेशन है कि नहीं आपको बहुत सारे सैंपल्स दिए हुए हैं यू वॉन्ट टू डिटेक्ट वेदर म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन दो सैम्पल्स और नॉट तो आप

रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रोब इट इज यूज टू हाइबाइज टू इट्स कॉम्पलीमेंट्री डी एन ए इन द क्लोन ठीक है फॉलोड बाई ऑटो रेडियोग्राफी जो जो तो म्यूटेशन है बेटा वो तो उससे बाइंड नहीं करेगा वहां पे हमें सिग्नल नहीं आएंगे ठीक है जहां पर म्यूटेशन है इट विल नॉट अब्योर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज प्लोट प्रो विल नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेटेड जीन ये बात समझ आई यस yes, ये बात समझ आई ये आपकी होती है यूज इन द केस ऑफ मॉलिकुलर डायग्नोसिस नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट इज अलाइजा बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन एंड कैन बी डिटेक्टेड बाई प्रजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन और बाई डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज़ ये आपने किस केस में पढ़ा था ये आपने पढ़ा था एड्स के केस में एलाइजा इज द डायग्नास्टिक टेस्ट फॉर एड्स और इसी का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है इसी का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है बताओ चार्ट सेक्शन में बताओ तुम्हें बताओगे मैं नहीं बताऊँगी ना ना बेटा ये आना चाहिए तुम लोग बताओगे बताइए वॉट इज द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स ये तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है हैं पीसीआर गलत गलत पीसीआर इज नॉट द राइट आंसर पीसीआर इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स इवन बिफोर यू नो सिम्ट आर प्रोड्यूस्ड यस कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा बिल्कुल ठीक किसने आंसर दिया है सही आंसर इज गिवन बाय मिताली एंड वी हैव राइट आंसर दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग कौन सा कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है तो इन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट को यू नो खत्म करने के लिए उसके चांस खत्म करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग चलो आ जाओ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब मैक्सिमम मैक्सिमम बेटा जो एनिमल्स हम यूज करते हैं अगर हम किसी एनिमल के डीएनए को मॉडिफाई कर दें तो वो बन जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल अब 95% परसेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल इज दैट इज यूज्ड इज माइस सबसे ज्यादा बेटा कौन यूज किया जाता है माइस वैसे वो एनिमल कोई भी हो सकता है ट्रांसजेनिक बेटा इट कुड बी रैबिट पिग शीप काउ फिश बट मेजरली बेटा हम किस यूज करते हैं माइस को यूज करते हैं किसके लिए एनिमल बेटा उससे हम पता लगा सकते कि के कैसे काम करते हैं so, कि नॉर्मल है? उसमें कुछ जीन डालकर आप उस जीन का फंक्शन पता लगा सकते हैं ना आपने ट्रांसजेंडिक एनिमल के अंदर कोई स्पेसिफिक जीन डाल दिया वो जीन कैसे बिहेव करता है कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है यू कैन गेट टू नो किसी बीमारी के बारे में भी पता लगा सकते हो यू कैन डेलीबरेटली इन्फेक्ट द ट्रांसजेनिक एनिमल विथ सम काइंड ऑफ डिजीज अब वो डिजीज कैसे काम कर रही है क्या क्या सिम्टम्स लेके आ रही है उसको आप मेडिसिन दे के देखेंगे क्या वो मेडिसिन उस पर काम कर रही हैं किस तरीके से काम कर रही है ये भी आप पता लगा सकते हो सो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट वो मॉडल बन जाते हैं ह्यूमन डिजीज के ठीक है जैसे आज हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस कैंसर रिमटिस एंड ऑल ऑलर्स ठीक है ऑल चलिए आ जाइए नेक्स्ट आते हैं बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है रिक्वायर्ड टू ट्रीट द कंटेन ह्यूमन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बट दीज आर एक्सपेंसिव टू मेक तो हमने यार एनिमल्स को मॉडिफाई करके उनसे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए क्वेश्चन आएगा दिस इज इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रोडक्ट बनाया सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ जीन प्रोटीन लाइक एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन टू ट्रीट द एम्फाइसे हमने बेटा यहां पर क्या बनाई एक शीप बनाई क्या बनाई शीप बनाई आई राइटिंग ओवर हेयर इस शीप का नाम क्या रखा ट्रेसी रख दिया अब ट्रेसी को ऐसे मॉडिफाई किया कि उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है जो क्या बनाएंगे ह्यूमन का प्रोटीन बनाएंगे एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो कि एम्फाइसेमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है येस yes?

जिसमें कौन सा प्रोटीन बनता है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन टू ट्रीट द दाइसे एक आपने बनाई काओ काउ का नाम क्या है रोजी है बेटा रोजी जो आपकी काउ है उसने कैसा मिल्क बनाया विच इज रिच इन ह्यूमन प्रोटीन दैट इज ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन यस ट्रेसी एंड रोजी के बारे में याद रखना देन टू चेक द वैक्सीन सेफ्टी एंड टू चेक द सेफ्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ केमिकल्स ठीक है अब आ जाइए आखिरी पार्ट पे आखिरी पार्ट पे अब ये जो आपने इतना मैनिपुलेशन किया एनिमल्स में जीन डाल दिया उनसे अपने हिसाब के प्रोडक्ट बना रहे हो साइंस इज अनलिमिटेड साइंस को रोका नहीं जा सकता आपने यहां पर क्लोन्स बना लिए देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन करके आपने सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन करके फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन बनाया दैट वाज जो कि शीप है अगर इस तरीके से तुम तो लोग एनिमल्स के क्लोन बना सकते हो क्या ह्यूमन के नहीं बना सकते बिल्कुल बना सकते हो अगर मैं बोलू तुम्हारे जैसे सेम तुम्हारा भाई बनाना है बन सकता है बिल्कुल बन सकता है बट कितने हद तक ये चीजें अलाउड है साइंस तो कुछ भी कर सकती है बट क्या ये चीजें सही हैं आज इतने इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं अगर इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के क्लोन बन जाएंगे क्या ये विश्व सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा सो so ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जो बताएगी कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग ऐसे अनलिमिटेड काम नहीं होना चाहिए कि हर लैब में कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस चल रहा है अपनी मर्जी से सो देयर इज अ कमेटी विच डिसाइड्स आगे नहीं लेके जा सकते मोरलिटी ऑफ सच इश्यूज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इसीलिए अपने एक कमेटी सेट की जिस कमेटी में ये डिसाइड होगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता अब जैसे हम एनिमल्स को भी यूज़ कर रहे हैं अब एनिमल्स का भी ओवर यूज इज नॉट अलाउड एनिमल्स दे आर ऑल्सो ह्यूम्स दे आर ऑल्सो यू नो लिविंग एंड लिविंग लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना काम है इस कमेटी का सो द नेम ऑफ द कमेटी इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज जी ई ए सी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो सारे डिसीजन लेती है कि कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च वैलिड है क्या चीज़ सेफ है और क्या चीज़ सेफ नहीं है वो बेटा डिसाइड करेगी बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग कि किसका बेनिफिट कितना आ सकता है उसके हिसाब से हम कितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बैकग्राउंड पे तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड लैब में वो सब यहाँ से अप्रूव होके आते हैं अगर अप्रूवल नहीं आएगा तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दैट इज जी ठीक है हाँ जी आगे आ जाइए नेक्स्ट इज

राइस आर देयर इन इंडिया डायवर्सिटी इतने रिच है कि हमारे पास एक स्पेशल इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट राइस flavor, in की कितनी वेराइटी है दो लाख बासमती की कितनी है ट्वेंटी सेवन वेराइटी ठीक है दिस इज इन रेफरेंस टू बासमती इन एशियन टेक्स हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि बासमती इंडियन राइस ही है ये हमारी ही वैरायटी है बट बट बेटा एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में इसका पेटेंट ले लिया कि बासमती हमने बनाया इसका पेटेंट ले लिया सो द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली इट बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटी लेटर ऑन जब रिसर्च किया तो पता चला कि उन्होंने जिस चीज का पेटेंट लिया वो उनकी नहीं है उन्होंने हमसे बिना पूछे हमारे राइस का पेटेंट ले लिया बिना पूछे अगर आप किसी कंट्री के रिसोर्सेस को यूज करोगे, that is called as, that is, बेटा जी पायरेसी ठीक है बायो पायरेसी बिना पूछे किसी कंट्री के आपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को यूज किया उसका पेटेंट करा लिया उसका कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया दैट इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी ठीक है सो so, जब फिर लेटर ऑन यू नो हमने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया कि ये इनकी वैरायटी नहीं है इनके लिए नोवल नहीं है हमारी इंडियन वैरायटी है तो वो पेटेंट वापस ले लिया गया ऐसे ही बेटा उन्होंने पेटेंट लिया था टर्मरिक का उन्होंने बात की थी कि टर्मरिक हल्दी इज यूज फॉर वुंड हीलिंग इन्होंने ये यू you नो know, निकाला कि हमने नई चीज़ पता लगाई है कि हल्दी चोट ठीक करने के काम आती है भाई इंडियंस को तो जवानों से पता है

बायोपायरेसी क्या बोला जाता है इसको बायोपायरेसी तो नाम याद रहेगा बायोपायरेसी का तो अगर आपको बायो पेटेंट लेना है तो बायो पेटेंट शुड बी हाईली नोवल किसी कंट्री में उस पर काम नहीं होना चाहिए अगर आप किसी की कॉपी करेंगे किसी की चीज को यूज करके पेटेंट ले लेंगे तो अल्टीमेटली पेटेंट क्या कर लिया जाएगा रिवोक कर लिया जाएगा यस yes. हाँ जी डन इज दिस डन बताइए बताइए है ना ये देखिए बात भी कर दिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी इन कंट्राज टू डेवलपिंग नेशन जैसा कि हमारा है हमारी बायोडावर्सिटी तो बहुत रिच है लेकिन अपने पास इतने फाइनेंस नहीं है इसीलिए हमारे बायो रिसोर्सिस को एक्सप्लॉयट किया जाता है, है न क्योंकि अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है सो so, इसी लिए रियलाइज़ किया गया कि बायो रिसोर्सिस को और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है जिसके लिए इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर अ सेकेंड अमेंडमेंट इन द पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इशूज इन टू कंसिडरेशन एंड प्रोवाइड एमरजेंसी प्रोविजन इसीलिए हमने एक बिल भी बना दिया पेटेंट से रिलेटेड कि किसको पेटेंट मिलेगा क्या कहीं पेटेंट की कॉपी तो नहीं हो रही है क्या कोई हमारे रिसोर्सेज पेटेंट तो नहीं करा रहा है यस yes, बेटा बात समझ आई कि नहीं आई बताइए बात समझ आई कि नहीं आई चलिए अब समझ आ गई होगी तो तुम टेस्ट में अच्छा कर लोगे क्योंकि इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कितने बजे एक के बीस पर और एक मॉक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे जैसा कि हम रोज करते हैं दो बजे तो ये दोनों चीजें आपकी होने वाली हैं अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में इस क्लास का लिंक मैं कर दूंगी पिन कैसा लग रहा है सिलेबस कंप्लीट करके बेटा जी सिलेबस कंप्लीटेड मैं लिख देती हूँ एनिमल ब्रीडिंग छोड़कर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है एज प्रोमिस्ड फास्ट ट्रैक रिविजन में हमने बोला था रिविजन फास्ट होगी टाइमली कंप्लीट होगी अगर आपको पता हो तो मैंने ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट डेट दी थी दी थी ना ट्वेंटी आज क्या है आज बेटा है ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट टाइम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया खुशी मुझे भी बहुत है लेकिन मुझे खुशी असली तब होगी अगर आपको इस चीज का फायदा हो रहा हो फायदा तब पता चलेगा अगर आप मॉक टेस्ट देंगे ये मॉक टेस्ट आपको देने आना है एक तो कल कल इसका टेस्ट होगा तो मुझे पता चल जाएगा यूट्यूब पे ही टेस्ट होना है एक आना है बेटा 120 एम पर ठीक है 120 PM पर ठीक इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड देन आपको मिलेंगी मैं दो बजे इस क्लास का लिंक पिन कर दिया फटाफट से क्या कर लीजिए एनरोल कर दो हां जी बेटा फ्री है दिशांत ये सारी क्लासेस फ्री होती हैं दिस इज फ्री दिस इज फ्री यूट्यूब इज फ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए मैंने कुछ भी पेड नहीं रखा नथिंग इज पेड एवरी थिंग इज फ्री एक बात बेटा और बतानी थी दैट इज अबाउट दिस ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट सीरीज जहां पे बेटा पांच फुल सिलेबस आपके टेस्ट होंगे बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश दो से, से। पांच बजे तक होगा ठीक है दो से पांच बजे तक होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा रैंक पता चलेगा वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे डिटेल टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी तो ये टेस्ट भी आपके लिए क्या है फ्री है तो ये आपका स्केड्यूल है कल आ, नहीं परसों मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था वैसे वहां से आई होप आपने एनरोल कर लिया ट्वेंटी एट ऑगस्ट फर्स्ट 4 फोर्थ 7 सेवन सेप्टेंबर एंड नाइन्थ सेप्टेंबर तो सब में एनरोल कर लो बाय यूजिंग दिस कोड ठीक है बेटा जी इसका लिंक दे रखा है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी भी अगर रिविजन करनी है लास्ट मिनट रिविजन के लिए फ्री कैंप गोइंग ऑन ऑन स्पेशल क्लासेस जिसका नाम है रिवाईज़थान. दिख रहे? क्या नाम है बेटा जी इसका थॉन जिसमें टॉप बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के एजुकेटर दिख रही होंगी मैम दिख रही है ये देखो यस कैन यू सी मी ऑन द फर्स्ट नंबर मैं थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ है ना तो मेरे मेरे साथ बाकी के 38 टॉप एजुकेटर्स कितने अन अकेडमी ने अपने 38 टॉप एजुकेटर्स चूज किए हैं बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन करा करा रहे होंगे आपकी स्पेशल क्लासेस में ये कब स्टार्ट हुआ हो चुके ऑलरेडी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट मेरी क्लास इस रिवाइजथॉन में होने वाली है कल येस yes. कल और परसों मेरी क्लास है क्या टाइमिंग्स है मेरी क्लास के मैं बता दूँ दैट इज टू पी एम ठीक है मैंने अपना रेगुलर टाइम ही रखा है और नीट वाला टाइम ही रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो इस टाइम जागने की ये yes, दूसरी चीज दूसरी चीज बेटा इस रिवाइज में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा पूरी रिविजन आपको कराई जाएगी बाय द बेस्ट एजुकेटर्स ठीक है थर्टी टॉप एजुकेटर्स नाइनटी से बूस्टर्स भी आपको मिलेंगे बाकी अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन वन ईयर एंड टू ईयर सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटा बिल्कुल बदल चुकी है इट इज़ टली ट्रांसफॉर्म क्योंकि आप अब लाइव वन टू वन मिनटोरशिप ले सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं कोई भी डाउट पूछ सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड प्रेपरेशन रिलेटेड यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन अपॉइंटमेंट ठीक है साथ ही में बेटा लाइव सब्सक्रिप्शन में लाइव कॉल में ऑडियो पे आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे एंड हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं बहुत ही आसान है आप अपने मेन्यू पे जाइए लाइव साथ ही में आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों को क्या मिलेंगे ब्रांडेड नोट्स मिल रहे हैं रिव्यूड बाय द टॉप रैंकर्स टॉप फैकल्टी एंड एक्सेसिबल एनी टाइम एनिवेर कहीं भी बेटा जी आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है प्लस वालों को भी नोट्स मिलेंगे लेकिन वो नोट्स मिलेंगे उनको सिर्फ ऐप में आइकॉनिक वाले को पीडीएफ भी मिलेगी साथ ही बेटा उनको फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी भी मिलेगी सैंपल देखना है देखना है कि कैसे नोट्स हैं मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ कि टॉप नोट्स हैं क्यूरेटेड बाय द बेस्ट फैकल्टी सारा एनसीआर और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं सैम्पल देख लो तब डिसाइड करना सैंपल ऑफ दिस नोट्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो सैंपल देख लीजिए खुद से डिसाइड कीजिए यार कैसा लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के सैंपल मैंने डलवा दिए मैंने खुद चेक किया है तो मुझे पता है कि यार क्या क्वालिटी है मुझे पता है कि कैसा होगा बाकी आप भी देख लो ठीक है आपने सब पढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं तभी आप रेकमेंड करिए यस yes, तो इसके लिए बेटा यू कैन गो फॉर आइकॉनिक लिमिटेड ऑफर ऑन ट्वेल्व एंड ट्वेंटी मंथ तो ये आप ऑफर लगा सकते हैं बाकी अगर आप कोड यूज करेंगे पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप कोड डाल देना सीप्लाइव जिससे बेनिफिट क्या होगा मैम की पर्सनल मेंटोरशिप टेन परसेंट ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट प्लस जो जो ऑफर चल रहा है नोट्स मिलने वाला मेंटोरशिप वाला वो भी आपको मिल जाएगा तो प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आइकॉनिक का भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यही सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए या फिर बहुत कम प्राइस में मिले यस देयर इज अ अवेलेबिलिटी जिसमें आप ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप में ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं बाय अपियरिंग इन द कॉम्बैट कॉम्बैट हर संडे होता है ग्यारह बजे ठीक है कॉम्बैट में पर्सनली बनाती हूँ तो मुझे पता है कि कैसा होता है एवरी संडे ग्यारह बजे आपका टेस्ट होता है ठीक है फ्री टेस्ट है कहां बैठ के देना है कुछ नहीं चाहिए फ़ोन चाहिए लैपटॉप भी नहीं चाहिए इसके लिए एंड्रॉयड फोन पे आपका टेस्ट होता है 28 क्वेश्चंस आते हैं फुल सिलेबस के क्वेश्चंस हैं 11, ट्वेल्थ और ड्रॉपर्स के लिए अलग अलग टेस्ट है एंड अलग अलग स्कॉलरशिप्स है सी यू कैन एनरोल इन कॉम्बैट बाय यूजिंग सीप लाइफ अन अकेडमी की ऐप पे है लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैं टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ बाकी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अर्ली अचीवर उद्देश्य नीट फॉर बिगनर्स बैच मैं अपने बैच का भी नाम बता दूँ माई बैच इज विजय भव बैच ठीक बजे क्लास होती है प्लस बेटा संजीवनी बैच संजीवनी बैच। मेरे साथ साथ बाकी के सारे बाकी के के सारे सारे टॉप टॉप फैकल्टी पाने के लिए बेटा लगा देना ये ठीक आज की पीडीएफ बेटा कहाँ मिलेगी आज की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर बाकी इस सेशन में अगर कोई भी इशू हो तो देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप हमें बता सकते हैं ठीक है PDF will be विल बी गिवन ऑन द टेलीग्राम एंड नाउ वी विल मीट एट 2 p.m. एंड टू पी ठीक है इससे पहले एक मेरा होमवर्क ले लो प्लीज़ होमवर्क इज टू प्लीज रीड दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीआर ए सवा एक से पहले पहले चैप्टर रीड कर लो क्लास का लिंक पिन किया हुआ है पहुंच जाना एंड कल पूरे सिलेबस में से जितना मैंने कराया सिक्सटी क्वेश्चन का टेस्ट होगा उसके बाद में बताऊँगी कि तुम लोग कहाँ स्टैंड करते हो ठीक है चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए